स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 6, ओके इंट्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, ओके। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट थ्योरम, ओके। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन से, हियर यू सी, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन ए बी and CD intersect each other at point O. So the vertically opposite angles are formed. Here you see one angle and then second angle. Okay, there are two pairs of vertically opposite angles. Here you see there are two vertically opposite angles. Okay, formed. First vertically opposite angle is AOC and BOC. Okay. Second, AOC and BOC. Second, BOD and AOC. AOC. Here you see AOD, BOC, BOD, AOC. Okay, two vertically opposite angles का यहां पर pair बनता है, ठीक है। चले अब हम चलते हैं अपने theorem की ओर, 6.1, theorem number 6.1. So let's see the proof. In the statement above, it is given that two lines intersect each other. So let AB and CD be two lines at O as shown. ठीक है? Two lines intersecting at O. Okay? They let two pairs of vertically opposite angles. See, vertically opposite angles, यहाँ पर मैंने angles के name दे दिए हैं, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Okay? So first यहाँ angle 1 and angle 3, okay, vertically opposite angle, and second angle 2 and angle 4. Okay, now let's start. So here you see, जब ये theorem हम solve करते हैं तो हमको सबसे पहले जो given होता है वो यहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको short में बता रही हूँ ये prove करना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और एक ये भी है कि लीनियर पेयर जो बताया गया था, एक जो लीनियर पेयर होता है ना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि लीनियर पेयर जो होता है वो उनमें दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरीके से बताया था कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक एंगल ड्रॉ किया गया है, तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ओके। और आप अगर एक सिंगल लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो ये भी जो है ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। तो यहां आप देखें एंगल 1 एंड एंगल 3, यहां देखें आप, जैसे हम अगर ये लाइन लेते हैं सी डी अगर आप लें तो आप देखिए इसको, इस पार्ट को आप भूल जाएं, यहां सिर्फ सी डी देखें तो ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है। ये देखिए लीनियर पेयर की तरह बन रहा है। तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2, मैंने बताया दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां देखें एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ क्या होंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इस पार्ट को क्लोज करूं तो आप देखें यहां पर ये भी एक लीनियर पेयर बन गया। ये देखिए यहां एक लाइन, एक रे जो है ड्रॉ की गई है और ये पूरी लाइन एक लीनियर पेयर बन गई, ठीक है। तो ये भी एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगेन इसको मैं अगर क्लोज करूं तो ये भी देखिए एक लीनियर पेयर बन रहा है, बन रहा है। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 बोथ क्या होंगे, 180 डिग्री। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगेन
इसको अगर मैं क्लोज करती हूँ, ये इधर का क्लोज करूं, तो ये भी एक आपका क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल वन और एंगल फोर क्या होंगे, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर। सो हेयर यू सी, हम अगर देखें इक्वेशन वन एंड इक्वेशन फोर, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर, इक्वेशन फोर, ओके सी, दोनों देखें 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इक्वेशन वन, एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल एंगल वन प्लस एंगल फोर। हियर यू सी, अगर हम एंगल वन को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एंगल वन यहाँ आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। एंगल वन प्लस एंगल टू माइनस एंगल वन इक्वल एंगल फोर। यहाँ देखें एंगल वन से एंगल वन कैंसिल, यहाँ क्या हुआ, एंगल टू इक्वल एंगल फोर। यहाँ देखें एंगल टू और एंगल फोर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल वन और एंगल थ्री भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर एंगल टू एंड एंगल फोर क्या हुआ, इक्वल हुआ, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ हम ऐसे और लिख सकते हैं कि एंगल वन, सॉरी एंगल टू, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल बी ओ डी, ओके, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से आप इन दोनों एंगल को भी ले सकते हैं, तो यहां एंगल थ्री क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एंगल टू एंगल फोर बचेगा, वर्टिकली अपोजिट हुआ ये, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को लेंगे, वन और टू को लेंगे, तो एंगल टू कैंसिल हो जाएगा, एंगल वन इक्वल एंगल थ्री बचेगा, ठीक है। तो एंगल वन और एंगल थ्री भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके। सो रिवाइज दिस, ओके, एंड राइट इन योर फेयर कॉपी, आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, तो गिवन जो है वो आप अपनी बुक से लिख लेंगे, और बाकी अगर वो क्या कहते हैं जो प्रूफ करने का है, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं या बुक का भी लिख सकते हैं आप, ठीक है।